ले मेरा राजा बेटा, छोला बच्चा है ना। ये देखो निशा, तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल मेरे रोहित पे गया है ना। देखो देखो, और लो लो लो, अच्छा अच्छा पापी माँ के पास जाओ, मेरे पास तो मेरा बेटा आने वाला है। कंग्रेचुलेशंस चीफ, कल भाभी बेटे को जन्म देंगी, लेकिन मिठाई तो मैं आज ही बांटूंगा। आज क्या, अभी क्या कहा, क्या हुआ मेरे रोहित को, क्या हुआ माँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा रोहित नहीं मर सकता है, मेरा रोहित जिंदा है। नहीं, क्या मतलब? मैं जी, ये कंप्यूटर गलत बता रहा है, इसमें जरूर कोई खराबी है जी। डॉक्टर आर्या, वहां 6:40 बज रही और यहां 6:30, मतलब 10 मिनट में इसी रूम में। वो देखिए डॉक्टर आर्या। आपने शाहजहां के बारे में सुना है डॉक्टर माथुर? हाँ, उसने ताजमहल बनवाया था। अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि दूसरा ताजमहल ना बन सके। रोहित मेहरा मेरे लिए कारीगर है और मैं उसके लिए शाहजहां। इसका मतलब आप ही रोहित के हाथ? नहीं, दिमाग, क्योंकि रोहित का दिमाग अब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। वैसे बहुत अफसोस होगा मुझे, क्योंकि रोहित बहुत अच्छा लड़का है, सच्चा, ईमानदार, इंटेलिजेंट। वो लोग ऊपर आ रहे हैं चीफ, आप यहाँ से जाइए। नहीं नहीं, मैं कंप्यूटर गलत हाथ में नहीं जाने दूंगा, मैं सब तोड़ूंगा। ठीक है, मैं जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। हेलो माँ, मैं निशा को अस्पताल ले आई। हाँ, वहीं से बोल रही हूँ। मुबारक हो, तू किसी भी वक्त पापा बन सकता है, बस जल्दी से घर आ जा बेटा। मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। क्या बात है बेटा, तू कुछ परेशान सा लग रहा है। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। कालीचरण और चंपा दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, तो जिस्म एक जान थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, कालीचरण चंपा के बाल में चमेली लगा रहा था। लाल चरण ने देख लिया तो गुस्से से आग बबूला हो गया। एक दिन उसने धोखे से चंपा को दवा के नाम पर जहर दे दिया और बेचारी चंपा काली काली कहते हुए तड़प तड़प के मर गई। जस्ट इमेजिन, बेचारा कालीचरण चंपा की मौत का दुख का। वो उस पहाड़ की चोटी की तरफ देखो, उसी चोटी से कालीचरण चंपा चंपा पुकारता हुआ कूद पड़ा और इश्क में
अपनी जान दे दी। उसी दिन से कालीचरण भूत बन करके अपनी चंपा को ढूंढ रहा है। तुम ये उंगली मेरी तरफ क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि आप चंपा है। मैं चंपा? मतलब चंपा जैसी है। प्रिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ पे अब नहीं रुकना चाहिए, प्लीज यार। कोई कहीं नहीं जाएगा। ये बहादुर का बच्चा जस्ट इमेजिन करके बकवास किए जा रहा है और तुम लोग इमेजिन किए जा रहे हो। बहादुर, आज के बाद तुम इन बच्चों को कोई कहानी नहीं सुनाओगे, अंडरस्टैंड? नाउ कम ऑन, गेट रेडी, हम लोग माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं। तुम सब एसेंडर लगाकर ऊपर चढ़ोगे और फिर एसेंडर लगाकर रैपलिंग करते हुए नीचे उतरोगे। इमेजिन 104 डिग्री तापमान। सर, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, सर आप ही नहीं मान रहे थे। सॉरी, अब हम यहां कतई नहीं रहेंगे। तू फौरन जा, अपने फोन बूथ से फोन कर और गाड़ियों का इंतजाम कर, जा। अरे मार दी ना मेरे पेट पर लात, मेरी जेब भरने से पहले ही खाली हो गई। जस्ट इमेजिन, अरे तुझे उन लोगों के सामने उस तरह पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत क्या थी? करता क्या, वो इतनी जोर से चिल्लाई और वहां पर इतने लोग थे कि मैं डर गया। और तेरे डर ने उनको इतना डरा दिया है वो सब वापस जा रहे हैं। मां कसम, अब ढूंढना अपनी चंपा को सचमुच का कालीचरण बन के। तो अब क्या करें बहादुर? क्या करें, तूने जैसा कहा वैसा मैंने किया, अब तू ही कुछ सोच। सोचा। क्या? चंपा जी, मेरा नाम प्रिया है। वो तो इस जन्म में है लेकिन पिछले 6 जन्मों से तो आप कालीचरण की चंपा है। ये 7वां जन्म है, अगर आप उससे बिना मिले चली गई तो वो रूठ जाएगा, फिर आप जहाँ जहाँ जाएंगी वो वहाँ वहाँ आएगा। जस्ट इमेजिन। हम तो सिंगापुर चले जाएंगे। ओ पापा, वो सिंगापुर भी आ जाएगा। हा? उसको टिकट नहीं खरीदना पड़ता। देखो बहादुर, ये किसी भूत से मिलने कहीं पे भी नहीं जा रही है, अगर इसे कुछ हो गया तो। वो बहुत शरीफ भूत है मैम साहब, उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है ना। अब आगे आप लोगों की मर्जी। रुको बहादुर। हनी, आई थिंक ही इज राइट, तू उससे मिलने जाएगी। हाँ, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। और आप, कालीचरण को पता चल गया, जस्ट इमेजिन। Woo!
चरण जी, मैं आ गई आपको मुक्ति दिलाने के लिए। प्लीज सामने आ जाइए। आजकल भूतों को भी डर लगता है क्या? तुम भूत नहीं हो? ओ अच्छा, कोई तुमको भूत कहता है तो तुम्हें बुरा लगता है ना? और लगना भी चाहिए, तुमने तो प्यार में जान दी है। और वो लोग जो प्यार में जान देते हैं वो भूत थोड़ी होते हैं, वो तो आशिक होते हैं। तुम आशिक हो ना? मैं कृष्णा हूँ। देखो देखो, तुम रुक जाओ, मेरे पास मत आना। हाँ, तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गई, अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मैं जाऊं? मुझे मुक्ति नहीं, दोस्ती चाहिए। क्या दोस्ती? अरे बाबा डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह के इंसान हूँ। यकीन नहीं होगा तो छूके देख लो, छूके देख लो, छूके। I'm sorry। देखो मेरे खून का रंग भी लाल है, अब तो यकीन हुआ कि मैं भूत नहीं हूं। लेकिन अगर तुम भूत नहीं हो तो वो तस्वीर? वो मेरे पापा की तस्वीर है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं एकदम उन जैसे दिखता हूं। अच्छा, लेकिन उस दिन मेरी जान बचाने के लिए उस पेड़ पर तुम अचानक कहां से आ गए थे? और कल उस पहाड़ पर ऐसे 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 कैसे चढ़ गए थे? हाँ, शायद इसलिए क्योंकि आदत सी हो गई है। बचपन से नहीं पेड़ों पहाड़ों यहाँ के जानवरों और पंछियों के साथ खेल कर ही तो बड़ा हुआ हूँ मैं। अपना ज्यादा वक्त मैं इन्हीं के बीच बिताता हूँ, इसलिए सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तुम मिलना चाहोगी मेरे दोस्तों से? हाँ? अभी यकीन नहीं हो रहा। दोबारा पे नहीं माने दूंगा, दर्द होता है क्योंकि मैं काली चरण नहीं हूं ना। देखा, ये काली चरण, मैं तो शुरू से यही कह रहा था। आप तो अभी भी यही कह रहे हैं। सही तो कह रहा हूँ। काली चरण, यू आर सो क्यूट। कृष्णा, यू रियली गॉट अस स्केयर्ड, बहुत डरा दिया था तुमने, लेकिन मजाक अच्छा था। बॉयज एंड गर्ल्स, कैंपेन कंटिन्यूज। और कृष्णा, तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ।
हर बार अलग रंग का फूल कहाँ से ला रहे हो तुम कृष्णा? इंद्रधनुष से मांग कर। इंद्रधनुष मतलब रेनबो? हाँ वो देखो। वाह कृष्णा, कितना खूबसूरत नजारा है। अगर मैं यहां नहीं आई होती ना तो मुझे बहुत अफसोस होता। मुझे भी। इतनी खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो प्योर, सो सरीन, सो क्वाइट। यू शुड सी दिस प्लेस इन ऑटम। इट इज अ राइट ऑफ कलर्स। When the sun's rays touch the fallen leaves, everything turns to gold. So beautiful. Makes you realize what a great artist God really is. Krishna, तुम इंग्लिश भी बोल लेते हो और वो भी इतनी अच्छी। दादी ने सिखाया, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी सब वही है। लेकिन किसी से भी कुछ भी सीखने के लिए टैलेंट की जरूरत होती है कृष्णा, और तुम में कमाल का टैलेंट है। यू आर अमेजिंग। तुम्हें इस छोटे से गांव में अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। यहाँ से बाहर की दुनिया में तुम जैसे टैलेंटेड लोगों की ना सिर्फ जरूरत है बल्कि कदर भी। दादी ये प्रिया है। प्रिया मेरी दादी। नमस्ते दादी। जीते रहो। हम लोग पहले मिल चुके हैं। हाँ हाँ याद है। एक बात बताओ जी, उस दिन तुम घर से चली क्यों गई थी? घर से नहीं दादी, डर से। ये सबको भूत बन के डरा रहा था। भूत? और दादी इनके कोमल सर जो कि अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं, डर के मारे थर थर कांप रहे हैं ना। अरे दादी उनको तो 104 डिग्री बुखार भी हो गया था। 104? सच कृष्णा? तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था बेटा। इतना भी क्या किसी को डराना कि वो बेचारा बीमारी पड़ जाए। तुमने सॉरी बोला? हाँ दादी बोला, सबको बोला। प्रिया बेटा। जी दादी। अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। दादी मैं सिंगापुर में रहती हूँ अपनी मम्मी के साथ। मेरे पापा अब नहीं रहे। इंडिया अपनी एक दोस्त के साथ छुट्टियां मनाने आई हूँ। उसकी फैमिली चंडीगढ़ में रहती है। अच्छा जी। मैं हाथ धो के आती हूँ। कितने दिन तक हो यहाँ? दिन दादी हम लोग तो आज ही जा रहे हैं, बल्कि अभी। ओह माय गॉड, मुझे चलना चाहिए, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हनी मैम साहब, ये रहा मेरा टेलीफोन नंबर। दोबारा आप कभी हो तो मुझे फोन करिए और सेवा का मौका जरूर दीजिए। ओके बाय। प्रिया कहाँ है? बोलो, वो आ गए। कम ऑन प्रिया, जल्दी करो। कम ऑन एवरीबॉडी, गेट इन। कृष्णा नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। Really enjoyed your company, Krishna. हम लोग वापस जरूर आएंगे। बहुत मजा आया कृष्णा। Thanks कृष्णा। बहुत अच्छा वक्त बीता तुम्हारे साथ। 10 दिन कब और कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। Really, बहुत मिस करूंगी इस जगह को मैं और तुम्हें भी। अपना ख्याल रखना कालीचरण। अच्छा तो मैं चलती हूँ। तो मैं चलूँ? मैं जाऊँ? कृष्णा हाथ नहीं छोड़ोगे तो कैसे जाएगी वो? बाय कृष्णा। बाय। Oh,
सी। राधा बन गई हम्म, कृष्णा की राधा। What? You know, मुझे सीरियसली लगता है कि कृष्णा को तुझसे प्यार हो गया है। I hope not. दिन लेट आए हैं। राहुल। Hey Priya। Hi। Hey, how's the baby? Hi। Hi honey, hi Priya। Hi। हम उनको हाथ दिखा रहे हैं, हाय बोल रहे हैं, ये पांच पांच उंगलियां क्यों दिखा रही हैं हमको? Stupid, पांच उंगलियां दिखा के पांच दिन बोल रहे हैं। Oh my God, उसका मतलब बॉस भी। पंद्रह दिन के लीव पर गई थी ना तुम दोनों? और 20 दिन के बाद आ रहे हो? सो आज से तुम दोनों की परमानेंट छुट्टी। इंडिया क्या, वर्ल्ड टूर पर जाओ, जाओ जाओ, गो गो। रुक प्रिया, सॉरी बॉस, आप इस तरह से हमारी इंसल्ट नहीं कर सकती। या बॉस, आप हमारी सिंसेरिटी और हमारी डेडिकेशन पर ऐसे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकती। मान कि हम 15 दिन की छुट्टी पर गए थे, लेकिन जैसे ही 16वां दिन शुरू हुआ हमने काम शुरू कर दिया। क्या कमाल का काम किया है आप लोगों ने? हमने एक इंडियन सुपर बॉय ढूंढा है। हनी, ये क्या बोल रही तू? बोलने दे मुझे प्लीज। बॉस, ये लड़का ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे ऐसे चढ़ता है जैसे सीढ़ियां चढ़ रहा हो, घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ता है, और आपको पता है नदी के अंदर सिर्फ हाथ डालकर यूं मछली पकड़ लेता है। जरा सोचिए बॉस, इतना टैलेंटेड लड़का अगर यहां पर आएगा तो कहां जाएंगी आपकी टीआरपी? जस्ट इमेजिन। आई होप यू आर नॉट ट्राइंग टू मेक अ फूल आउट ऑफ मी। नो वे बॉस, आप भी बिलीव करेंगी जब आप उसे ये सब कुछ करते हुए यहां देखेंगी। यहां देखेंगी? कैसे देखेंगी? कैसे आएगा वो यहां पे? इतनी बार तुझे रोक रही थी, लेकिन तू जब बोलना शुरू करती है तो बोलती जाती है। ओह प्रिया प्लीज, पहली बात तो ये कि अपनी जॉब बचाने के लिए मुझे और कोई तरीका नहीं समझ में आया, और दूसरी बात ये कि अगर कृष्णा यहाँ पर आता भी है तो क्या बुरा है? अरे तूने फिर वही बात शुरू कर दी। ओहो रिलैक्स, बैठ जा, जरा सोच। अगर कृष्णा का टैलेंट हमारे चैनल पर दिखाया जाएगा तो फायदा तो उसी का होगा, नेम फेम मनी ये सब कुछ उसको मिलेगा, कितना बड़ा आदमी बन जाएगा ना, जस्ट थिंक। बात तो तू ठीक कह रही है हनी, लेकिन कृष्णा अपनी दादी को छोड़कर कभी नहीं आएगा। उसकी दादी ही उसकी दुनिया है। उस दुनिया में अब तू भी आ गई है। I know, बस जैसा मैं कह रही हूं वैसा करती जा। कृष्णा का फोन है। इंडियन है क्या? अरे ये सिंगापुर में रहता है। प्रिया, तूने अपने लिए कोई लड़का पसंद कर लिया? अरे मॉम, फिर वही लड़का लड़का लड़का, मैंने किसी को पसंद नहीं किया। अरे तो कर लेना। कर लूंगी मॉम, अभी आप प्लीज यहाँ से जाओ, हमें हमारा जॉब बचाना है। तो घर कब बसाना है? कल बसाऊंगी। प्रिया का फोन है। प्रिया। हेलो कृष्णा। प्रिया कैसी हो? प्रिया
मैं ठीक हूँ, पर कुछ अच्छा नहीं लगता। हाँ, मुझे भी। ठीक से नींद नहीं आती। मुझे भी। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी प्रिया। अरे यार, वो मैं भी मुझे भी से आगे नहीं बढ़ रहा। अब मैं क्या करूँ? ओह, तू पढ़ना, तू हॉकी पढ़ना। प्रिया, तुम चुप क्यों हो गई? कृष्णा, तुम यहाँ आकर माँ से एक बार नहीं मिल सकते क्या? माँ से? हाँ, अगर तुम यहाँ आकर माँ से नहीं मिलोगे, मेरी माँ मेरी शादी किसी और से करवा देगी। किसी और से? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आ रहा हूँ प्रिया। लेकिन प्रिया, मैं आऊंगा कैसे? हाँ, लेकिन तुम आओगे कैसे? हेलो कृष्णा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बहादुर को फोन दो। कृष्णा, हवाई जहाज, सिंगापुर, प्रिया मेम साहब, ये सब कब कैसे? अरे दादी, हाँ, दादी 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 राम, क्या बात है बेटे? दादी, आज तो बहुत खुश नजर आ रहा है। हाँ? दादी, प्रिया का फोन आया था। दादी, हाँ? प्रिया का। आप कहती थी ना कि वो मुझे भूल जाएगी। नहीं दादी, वहाँ वो हर वक्त मुझे याद किया करती है, हमेशा मेरे बारे में सोचती है, उसे सब जगह मैं दिखाई देता हूँ दादी। और मैंने आपसे कहा नहीं, लेकिन मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है। जब से प्रिया गई है तब से कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आज उसके फोन आने के बाद फिर से सब कुछ अच्छा लग रहा है। दादी, प्रिया ने मुझे सिंगापुर बुलाया। दादी, वो चाहती कि मैं उसके माँ से मिलूं। माँ से? हाँ दादी, और अगर मैं नहीं गया और प्रिया की माँ से प्रिया का हाथ नहीं मांगा तो वो उसका हाथ किसी और के। मैंने कह दिया कि मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, मैं आ रहा हूं। मैंने ठीक किया ना दादी? मैं जाऊं ना दादी? दादी, बस कुछ दिन की बात है दादी, मैं बस जाऊंगा और प्रिया का हाथ मांगकर उसे अपने साथ वापस ले आऊंगा। मैं जाऊं ना दादी? आप जवाब नहीं दे रही दादी। जब तूने जाने का फैसला कर ही लिया है तो मुझसे पूछने की जरूरत ही क्या है? जा, चला जा। दादी, आप खुश नहीं हैं? आपको प्रिया पसंद नहीं? प्रिया तो पसंद है, लेकिन तेरा इतनी दूर जाना पसंद नहीं। अगर प्रिया सचमुच तुझे चाहती है तो अपनी माँ को लेकर के यहां भी तो आ सकती है, लेकिन तू वहां नहीं जाएगा। लेकिन मैं क्यों नहीं जा सकता? मैंने एक बार कह दिया तू नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, बस। लेकिन क्यों नहीं जा सकता? क्या हो जाएगा? बचपन से यही सुनता आ रहा हूं कि तू यहां नहीं जाएगा, वहां नहीं जाएगा, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, अपने दोस्तों के साथ शहर नहीं जा सकता। शहर तो दूर, आप तो मुझे नदी के उस पार तक नहीं जाने देती दादी, क्यों? अब तू इतना बड़ा हो गया है कि मुझे तेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आज आपको जवाब देना पड़ेगा दादी। आखिर क्यों आप मुझे रोकती हैं? क्यों मैं कहीं नहीं जा सकता हूं? क्योंकि मैं तुझे खोना नहीं चाहती। तो क्या चाहती हैं आप? कि जिंदगी भर आपके आंचल में छुपकर बैठा रहूं और आपका चेहरा देखता रहूं, जिंदगी भर इन पेड़ों पहाड़ों से सर चकराता रहूं, यहां अकेला भटकता रहूं, यही चाहती हैं आप? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता दादी, मेरी भी अपनी जिंदगी है, कुछ सपने हैं, मुझे भी कुछ करना है, कुछ बनना है, अपनी पहचान बनानी है। आप मुझे खोना नहीं चाहती, लेकिन मैं प्रिया को खो दूं? मेरी खुशी से आपको कोई मतलब नहीं? आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, आप फिर एक बात ही मान सकती? आप इतनी मतलब ही है दादी, मुझे आज पता चला।
सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं आप, सिर्फ अपने बारे में। मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है आपको। आज आपको समझते और मुझे चलने से मुझे कभी नहीं रोकते। काश कि तेरे मम्मी पापा जिंदा होते, काश। I'm sorry, Dadi. ये तारे देख रहे हो कृष्णा, आसमान में चमकते हुए इन अनगिनत सितारों के साथ तेरा, मेरा, तेरे पापा का और तेरे दादाजी का बहुत गहरा रिश्ता है। तेरे दादाजी एक स्पेस साइंटिस्ट थे। एक रात ओम को लेकर उनके बनाए खास साउंड सिग्नल का जवाब आने लगा और अचानक आसमान में एक उड़न तश्री दिखाई दी। उस एक्साइटमेंट में गाड़ी बेकाबू हो गई और एक्सीडेंट हो गया। मैं तो बच गई लेकिन तेरे दादाजी। उस वक्त रोहित मेरे पेट में था। एक्सीडेंट में उसके सर पर चोट लग गई थी इसलिए वो अब नॉर्मल पैदा हुआ और बड़ा होने के बाद भी उसका दिमाग बच्चों जैसा ही रहा। एक रात हमारे छोटे से कस्बे कसौली में एक बहुत बड़ा स्पेसशिप उतरा। उसमें से कुछ एलियंस बाहर निकले लेकिन उनमें से एक वापस नहीं लौट सका और इस तरह रोहित की जादू से मुलाकात हुई। जादू के पास सुपरनैचुरल शक्तियां थी। उसने अपनी शक्तियां रोहित को दे दी। रोहित पूरी तरह बदल गया। जादू तो चला गया लेकिन रोहित को दी हुई शक्तियां वो वापस नहीं लेके गया। उसके बाद सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। मेरा बेटा वो कर सकता था जो किसी आम इंसान के लिए नामुमकिन था। इसी दौरान रोहित ने तेरी मां से शादी की और कुछ ही अरसे बाद उसकी शोहरत हिंदुस्तान की सीमाएं पार कर गई। दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के चेयरमैन ने रोहित को विदेश बुलाया। थैंक यू। वेलकम टू टेक्नोट्रॉनिक्स। कम विथ मी सर। Aria will be here shortly. Mr. Rohit Mehra, I'm sorry to keep you waiting. That's all right, sir. Main bas ye book. ये मेरी नई किताब की फर्स्ट कॉपी है। आप इसे पढ़ें और अपनी राय दें। बहुत अच्छी किताब है सर, आपने काफी रिसर्च किया। आप बिना पढ़े ये कैसे कह सकते हैं? मैंने पढ़ लिया सर। पढ़ ली? पेज नंबर 126, 244 और 354 में प्रिंटिंग मिसिंग है सर, मैंने मार्क कर लिया। आपने 400 पेज की ये किताब 10 मिनट में पूरी?
भूल ही गया था कि मैं उससे बात कर रहा हूं जिससे कोई भी सवाल पूछना उसके टैलेंट की इंसल्ट करना है। इट्स एन ऑनर टू मीट यू। द ऑनर इज माइन सर। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं आप जैसे ग्रेट साइंटिस्ट और इनोवेटर के सामने हूं। आपने वायरलेस कम्युनिकेशन की फील्ड में जो किया है वो किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है सर। आपने कंप्यूटर को टेबल से उठा के लोगों के हथेलों पे पहुंचा दिया। आजकल लोग मोबाइल फोन पे क्रिकेट मैच की क्लिप्स देख सकते हैं, तो आपकी वजह से। रोहित, मैंने एक नया ड्रीम देखा, एक नया विजन, एक ऐसा सपना जो अगर सच्चाई में बदल गया तो दुनिया की तकदीर और तस्वीर, फेट एंड फेस दोनों को बदल सकता है। और इस सपने को सच करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं एक ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहता जो भविष्य को देख सके, दैट कैन सी द फ्यूचर। फ्यूचर? चाय पियोगे या कॉफी? मैं आपका ड्रीम, आपका विजन समझ रहा हूं सर। आप एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहते हैं जो फ्यूचर देख सके। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है, क्योंकि मेरे पास जो लोग हैं वो ट्रेन्ड हैं, तुम्हारी तरह गिफ्टेड नहीं है। सोच रहे हो रोहित? सर, अगर हम रियली सकें, जो फ्यूचर देख सके, तो रोहित हम इस प्लैनेट का, इंसानियत का कितना भला कर सकते हैं? वॉर्स कैन बी प्रिवेंटेड। भूकंप, सूखा, बाढ़, इन सबको रोका जा सकता है। नहीं भी रोक सके तो उनके लिए तैयार तो हो सकेंगे हम। तुमने तो फ्यूचर देखना शुरू भी कर दिया रोहित। वेलकम। इस यकीन के साथ के विजन और ब्रिलियंस की ये मुलाकात हिस्ट्री बनेगी। हिस्ट्री बनाए। पूरे 2 साल लगे, लेकिन मेरे रोहित ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उसने ऐसा कंप्यूटर बना लिया जो भविष्य देख सकता था। उन्हीं दिनों तू पैदा होने वाला था। हेलो रोहित बेटा। मा? मैं निशा को अस्पताल ले आई हूँ। हाँ, वहीं से बोल रही हूँ। मुबारक हो, तू किसी भी वक्त बाप बन सकता है। हाँ। बस तो जल्दी से घर आ जा बेटा। मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। रोहित, क्या बात है बेटा, तू तो कुछ परेशान सा लग रहा है। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। लेकिन नहीं आ पाया मेरा बेटा। तेरे पैदा होने के कुछ ही देर बाद हमें खबर मिली कि लैब में अचानक आग लग गई और वो लोग नहीं बचा पाए मेरे रोहित को। तेरी माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और कुछ ही दिनों में वो भी चल बसी। जब तू 5 बरस का हुआ तब मुझे पता चला कि तू भी उन्हीं शक्तियों के साथ पैदा हुआ जो शक्तियां रोहित में थी। मैं एकदम घबरा गई। मैं नहीं चाहती थी कि दुनिया को तेरे बारे में भी पता चले, इसलिए मैं तुझे लेकर यहां इतनी दूर चली आई जहां मैं कोई भी नहीं जानता था। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहती थी कृष्णा। तो अब मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता ना, लेकिन मैं तो तेरा चेहरा देखकर ही जी रही हूं कृष्णा।
हाँ मैं मतलबी हूँ, मैं मतलबी हूँ। तेरे पापा के कुछ कपड़े निकाल रही हूँ। तू क्या सिंगापुर इन कपड़ों में जाएगा? हाँ? लेकिन दादी, मैं तुझे तो दुनिया से छुपा सकी लेकिन तेरे दिल को नहीं। जा अपनी प्रिया को यहाँ ले आ। वहां ठीक से रहना बेटा, वक्त पर खाना, वक्त पर सोना और किसी से ज्यादा बात मत करना, किसी से उलझना मत। जो भी करना आम लोगों की तरह करना, ठीक है बेटा? और हाँ, जोश में आकर के कुछ ऐसा वैसा मत कर देना कि किसी को पता चले कि मैं कौन हूं, है ना दादी? हाँ बेटा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए दादी, मैं किसी को अपने बारे में पता नहीं चलने दूंगा। मैं अपनी ताकत, अपनी खूबियां, अपने गुण छुपा के रखूंगा। मैं वादा करता। वेलकम टू सिंगापुर सर। आज आपका वेलकम अलग लगा और अच्छा भी। कुछ दिन पहले ही आ गया लेकिन क्या करूं, रहा नहीं जाता, मुद्दत गुजर गई। अब जब कामयाबी इतने नजदीक आ गई है तो आखिर के एक एक दिन का एक एक पल काटना मुश्किल हो गया है। वैसे तारीफ करनी होगी आपकी और आपकी टीम की मेरे सपने को दोबारा सच्चाई बनाने के लिए। तारीफ तो आपको रोहित मेहरा की करनी चाहिए सर। अगर उसके नोट्स और रिसर्च हमारे पास नहीं होते तो वो कंप्यूटर दोबारा बनाना इम्पॉसिबल था। एब्सोल्यूट जीनियस। You're right, sir. जो कंप्यूटर रोहित ने 2 साल में बनाया उसे हमें बनाने में कितने साल लग गए। इसीलिए तो आज भी उसकी कमी महसूस होती है। Excuse me. अब तक लोग कहते हैं कि कल किसने देखा है लेकिन कुछ ही दिनों बाद तुम और मैं
कई सच और कई मुहावरे हमेशा के लिए बदल देंगे। आज का सबसे महत्वपूर्ण समाचार, इतने सालों की लगन, मेहनत, शोध और प्रतीक्षा के बाद विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सिद्धांत आर्या की महत्वाकांक्षी परियोजना अब पूरी होने वाली है। हमारे विशेष संवाददाता के अनुसार कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर सिद्धांत आर्या सभी का, व्यक्ति, समाज, देश, दुनिया सभी का भविष्य देख सकेंगे। इतना ही नहीं, भविष्य बदल भी सकेंगे। और ये बात बिल्कुल सच है कि जो व्यक्ति भविष्य देख सकता है और बदल सकता है उसे भगवान के बराबर माना जाता है। भगवान के बराबर नहीं, भगवान ही माना जाता है। विल बी गॉड, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। काम किया है तुमने। एक काम करते हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़। कृष्णा की फ्लाइट भी लैंड हो गई होगी, वो कितना परेशान हो रहा होगा हमें ढूंढते ढूंढते। सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। आप ठीक हो ना? आपको कहीं चोट नहीं लगी? तुम दोनों अकेले आए हो? कृष्णा, तो लोग अकेले कैसे आ सकते हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि प्रिया, वो तुम्हारी माँ नहीं आई? माँ? आंटी आने वाली थी? आती तो अच्छा रहता, यही उनसे हाथ के हाथ तुम्हारा हाथ मांग लेता और हम यहीं से वापस इंडिया चले जाते। दादी वहाँ अकेली है ना? बड़ी जल्दी में पंडित से नहीं लेके आई? फेरे वेरे ले ले। शट अप। क्या हुआ? वो क्या है ना, वो माँ जो है ना कृष्णा, वो तो माँ जो है वो तो गई, चली हाँ, गई हांगकांग। हांगकांग गई? हांगकांग गई। हांगकांग 10-15 दिन में आ जाएंगी वापस, है ना? हाँ, आ जाएगी। 10-15 दिन? लेकिन इतने दिन के मैं यहाँ पर क्या करूँगा? क्यों कृष्णा, जब हम तुम्हारे यहाँ आए थे तो तुमने अपना गाँव दिखाया था ना, अब हम तुम्हें अपना शहर दिखाएंगे। यहाँ रहोगी तुम, ये है तुम्हारा लिविंग रूम और ये है तुम्हारा बेडरूम, ये कपड़े तुम्हारे लिए और ये रहा तुम्हारा फोन, इसमें हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तुम जब चाहो हमें फोन कर सकते हो। लेकिन प्रिया, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं रह सकता? वो क्योंकि वहाँ पे माँ नहीं है। हाँ, वहाँ माँ नहीं है ना, अच्छा नहीं लगता ना। मेरा फोन बज रहा है, इसमें मामा लिखे, इसे उठा दे कैसे? शायद मैंने तुम्हें गलती से अपना फोन दे दिया। एक्सक्यूज मी, हेलो। गुड न्यूज़ है, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अभी मैं बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ मामा। अरे माँ का फोन, एक मिनट, नमस्ते तो कह दो। नहीं नहीं, माँ का कहाँ फोन था, वो तो मामा मामा का फोन था। तो नहीं नमस्ते कह देता,
तुम्हारे मामा जी भी यहीं रहते हैं? हाँ। Oh, no! नहीं नहीं नहीं, वो तो इंडिया में रहते हैं ना। अच्छा इंडिया में, कहाँ इंडिया में? कृष्णा, हमें ऑफिस जाना है ना, हम बाद में तुम्हें मामा जी का पूरा एड्रेस दे देंगे पिन कोड के साथ। अभी हमें जाना है। ओके बाय बाय। एक झूठ को सच बनाने के लिए कितने झूठ बोलेंगे हम? आज तो मामा ने बचा लिया, तो कल मामी बचा लेगी। रिश्तेदार किस दिन काम आएंगे, रिलैक्स। उसकी आंखें देखी थी तुमने, कितना प्यार और विश्वास भरा था उनमें। हानी मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं इस तरह कृष्णा को हर्ट नहीं कर सकती। हर्ट? वो तुम्हारी वजह से फेमस हो जाएगा, सेलिब्रिटी बन जाएगा और फाइनली हमें प्रमोशन मिल जाएगा। और बाद में अगर उसे पता भी चल गया तो स्मॉल लाइज ऑफ बट हर्ट हिम। या क्या हुआ? तुम 20th फ्लोर से इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गए? सीढ़ियों से। सीढ़ियों से? हाँ। प्रिया, वो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। क्या? मैं गाड़ी लेके आती हूँ। अब हाँ, अपनी आंखें बंद करो। हाँ प्रिया, जब भी मैं आंखें बंद करने के लिए कहता हूँ तुम अपनी आंखें बड़ी क्यों कर लेती हो? अब खोलो। अच्छी लग रही है ना? अब अच्छी लग रही है। ओके बाय। हाँ बाय। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, बाद में बताऊंगी, अभी प्लीज चल 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 चल। बाय बाय। Christian, Swing Chung Ming Lee. What? My name too long?
Sure. Chris Lee. Okay? Okay, Chris Lee. Nice name. My name is Krishna. Krishna Mehra. Krishna? India? Yes, India. I work here in Great Bombay Circus. Must come. Okay? Okay. Sunday, okay? Sunday, okay. 10 दिन तो यूं ही गुजर जाएंगे बेटा। तू बता, तुझे कैसा लग रहा है वहाँ? अच्छा लग रहा है दादी। बहुत ऊंची-ऊंची इमारतें हैं यहाँ। और मैं जहाँ रुका हूँ, वो जगह 20वें फ्लोर पर है। और मैं आपसे इस वक्त बालकनी में खड़े होकर बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब तो अच्छे से रहना। हम्म? और सुन, प्रिया को मेरा प्यार और आशीर्वाद। जस्ट इमेजिन, हमारे नए शो का नाम। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक इंसान एक बंदर से भी ज्यादा तेज इस पोल पर चढ़ सकता है? नहीं ना? वेल, हमारे आज के शो को देखने के बाद आप इमेजिन ही नहीं यकीन कर लेंगे कि ऐसा हो सकता है। तो तैयार हो जाइए। एक तरफ है वर्ल्ड फेमस ओरैंगुटैंग माओ, जो पलक झपकते ही इस पोल पर चढ़ जाएगा, और दूसरी तरफ है इंडियन सुपर बॉय कृष्णा। ये क्या हो रहा है प्रिया? क्या हुआ? तुम तो मुझे यहाँ पर शूटिंग दिखाने लाई थी ना? हाँ बाबा, फिर मैंने सोचा अगर तुम शूटिंग देख सकते हो तो कर भी तो सकते हो ना। हाँ, लेकिन फिर मैं माओ से तेज इस पोल पर कैसे चढ़ सकता हूँ? जैसे उस दिन पहाड़ पे चढ़े थे, ऐसे 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 ऐसे, याद है? हाँ, लेकिन मैं माओ से हार गया तो? अरे मुझे पूरा यकीन है तुम हार ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन हार गया तो? तो मैं माओ से शादी कर लूंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने। तो मान जाओ ना, बहुत मजा आएगा। प्लीज। मजा तो आएगा। सर, सर, रेडी? या, ओके। चाओ, इट्स माओ रेडी। रेडी। कृष्णा, रेडी। या, हमारे और सक्सेस के बीच में सिर्फ एक पोल का फासला है। पोल का ही पल का फासला स्टूपिड। बिगिन। Roll camera. Action. What the hell is this? Boss, Hindi, Chini, bye bye. Shut up. Sorry, sir. Chau, chau, mau. Bye, Dan. Roll camera. Action. You stupid ape! I paid a lot of money for you, okay? And I'm tired of you monkeying around. You don't get your act together, now you're out of my show, okay? There, I told him off. अच्छे अच्छों को ठीक किया है। ये क्या? Roll camera. Action. Where is the fish? Cut. Roll camera. Action. नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ सर्कस वर्कस। अरे कमाल है, माओ का गुस्सा तुम मुझ पे क्यों उतार रही हो? अब वो पोल पर नहीं चढ़ा तो मैं क्या करूं? और यहाँ की मछलियाँ खुद मेरे हाथ में आने के बजाय मेरे हाथ में कभी कैन तो कभी जूता तो कभी वो पकड़ा गई। अरे वाह प्रिया, स्माइल। अरे इंडिया में तो बड़ी आसानी से फिश पकड़ लेते थे, क्यों? नहीं, वहाँ की मछली तो मुझे जानती है ना, मेरा साथ देती है। लेकिन तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो। मैं तो जिंदगी भर तुम्हारा साथ देने यहाँ आया हूँ प्रिया। अगर मेरी माँ ने पूछा कि तुम करते क्या हो, तो तुम क्या कहोगे? कह दूंगा जो करता हूँ, तुमसे प्यार। और क्या कहोगे? कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा,
तुम्हारा ख्याल रखूंगा और हसी को तुम्हारे होंठों से कभी अलग नहीं होने दूंगा। और अच्छे बुरे वक्त में हम हमेशा साथ रहेंगे, जैसे पलके रहती हैं आंखों के साथ। और सपने तुम देखोगी, सच मैं करूंगा। और तेज धूप में छा बनकर साथ रहूंगा और सर्दी में आंच बनकर, बरसात से ताकि तो बादलों का रुख मोड़ दूंगा और आंधी चलेगी तो हवा होगा। और इसी तरह जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगा, हर खतरे से, हर मुसीबत से। अब तो मां मान जाएगी ना? Somebody help!
The most sensational news in Singapore right now is a circus blaze at Marina Bay, which took place last night, and the daredevil masked savior, who in a flash in the fire and has become every child's hero overnight. But his identity is still a mystery. कल तक हमारे पास मास्कमैन का होलिया और सिर्फ उसकी तस्वीर थी। आज हमें उसका नाम पता चल गया, साथ ही उसके मास्क का एक टुकड़ा भी मिल गया। कैसे, आइए जानते हैं। He said his name is Krish and this piece of mask broke from his forehead. तो इसका नाम है क्रिश। क्रिश! लेकिन इसकी पहचान पर अभी भी एक रहस्य है। बहरहाल ये क्रिश जो भी हो, इसकी बहादुरी को पुरस्कृत करने के लिए एक ब्रेवरी अवार्ड और $25,000 का इनाम घोषित किया गया है। तो फिर क्रिश की पहचान कैसे होगी? ये टुकड़ा जिसके मास से मैच करेगा उसे ही क्रिश माना जाएगा और उसे ही पुरस्कृत किया जाएगा। क्रिश, क्रिश, आखिर है कौन ये क्रिश? लिसन केयरफुली यू गाइस, हमारी प्रायोरिटी क्रिश है, सिर्फ ओनली क्रिश। गेट दैट? क्रिश और उसकी आइडेंटिटी, क्रिश की पहचान सबसे पहले हमारे चैनल पर होनी चाहिए। डू यू गेट दैट? आवर चैनल मस्ट बी द फर्स्ट वन टू अनमास्क दिस मास्क्ड क्रिश। गेट इट? स्टॉप नॉडिंग एंड लीव। गो गेट हिम, गो गो। तुम दोनों कहाँ जा रही हो? क्रिश को ढूंढने। फॉरगेट क्रिश, नया जॉब ढूंढो। नया जॉब? यू बोथ आर फायर्ड। व्हाट? अब तुम इंडिया जाओ, वहाँ के जंगलों में अपने कृष्णा के साथ फ्लूट बजाओ। जाओ जाओ जाओ, डोंट वेस्ट योर टाइम, गो गो आउट। प्रिया, कृष्णा के चक्कर में ये जॉब तो गया हाथ से, अब क्या होगा हमारा? हनी, मुझे लगता है कि ये क्रिश और कोई नहीं, अपना कृष्णा ही है। क्या? हाँ, उस दिन सर्कस में मैंने क्रिश को इतने करीब से देखा था। मेरा दिल कहता है कि कृष्णा ही क्रिश है। तो फिर तूने ये बात मीटिंग में बॉस को क्यों नहीं बताई? अरे क्योंकि मैं श्योर नहीं थी ना, पहले कंफर्म तो करना पड़ेगा। कंफर्म मगर कैसे? देख, एक आइडिया तो है।
सोचा कि तुम ही क्रिश हो और अपनी किडनैपिंग खुद प्लान की और फिर नकली गुंडों की जगह असली गुंडे आ गए। असली गुंडे? लेकिन तुमने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ, क्यों चुपचाप उन लड़कों से मार खाते रहे? मैं देख रहा था ये मुझे तकलीफ में देख के तुम्हें तकलीफ होती होती। वो रिंग कहाँ गई तुम्हारी? शायद वो लोग I think it's mass man. Shit, mass shit. Tell my sister. No, Christian. Don't tell anyone. Why? You become famous. You get reward. Here, Christian. You become Krish. Take it. Get the money. For your sister.
make her legs good again. No, it's yours. You are the hero. Every human being who fights for a good cause is a hero, Christian. You are fighting for your sister. You are a hero. The biggest news of today, Krish has revealed his identity to the media, and the broken piece of the mask fitting his mask has confirmed his identity. Here today, Hero Hunter is honoring Krish for his bravery. दिमाग में नहीं आया कि क्रिश्चियन भी तो क्रिश हो सकता है, और फिर उस रात वहां सर्कस में भी था वो। अगर यही बात उस रात मेरे दिमाग में आ गई होती तो मुझे इतनी मार नहीं पड़ती। अब उसके लिए मैंने सॉरी बोला ना, और क्या करूं? अपनी आंखें बंद करो। हाँ? अरे फिर तुम ये तुम्हें कैसे वापस मिली? क्रिश दोस्त है ना मेरा, तो इतना नहीं करेगा। हाय हाय, थैंक यू थैंक यू। लो सिर्फ दोगे। कृष्णा इधर देखो। प्रिया प्रिया, प्रिया। अरे सामने से हट ना, बैठी बैठी टीवी देख रही है। पता है ऑफिस में बॉस ने वो कृष्णा वाला अपार्टमेंट उसे भी खाली करवाने को कह दिया है। हेलो, तू मेरी बात सुन भी रही है? अरे बाबा सुन रही हूँ, लेकिन नहीं भी सुन रही हूँ। अरे उस दिन सर्कस में जो एक्सप्लोजन हुआ था ना, मैं तो बेहोश हो गई, लेकिन लगता है मेरा कैमरा ऑन रह गया। अच्छा ये टीवी बंद कर और कृष्णा के बारे में सोच प्लीज। हाँ। ओह माय गॉड, क्या हुआ? मैं रिवाइंड करके दिखाती हूँ। प्रिया? नहीं, मैं प्रिया की माँ बोल रही हूँ। माँ जी नमस्ते, आप हांगकांग से वापस कब आई? हांगकांग? मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो यहीं थी। तुम कौन बोल रहे हो? जी मैं बोल रहा हूँ, कृष्णा। कृष्णा कौन? जी प्रिया ने आपको मेरे बारे में सब बताया है ना? नहीं प्रिया ने तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। जी आप प्रिया की माँ ही बोल रही है ना? हाँ मैं प्रिया की मम्मी बोल रही हूँ। प्रिया कहाँ है? प्रिया तो अभी अभी ऑफिस गई है। ऑफिस? जी अच्छा। प्रिया प्रिया do you realize कि इस फुटेज के टेलीकास्ट होने के बाद हमारा कृष्णा वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी बन जाएगा। कुछ बात है हमारे कृष्णा में, है ना? इसने हमें इतनी आसानी से बेवकूफ बनाया वहां पर कालीचरण बनके, और यहाँ पे कृष बनके। मैंने कहा था ना हनी,
सच सामने आ ही जाता है। देख प्रिया, कृष्णा की सच्चाई जो लोगों के सामने आने वाली है वो तेरे झूठ की वजह से। वही झूठ कि तू उससे प्यार करती है, उसे इंडिया से यहाँ तक लेकर आया। And imagine, now we're going to create a big sensation. You were right. झूठ से कभी कभी बहुत फायदा होता है। क्या बताती हानी, उसकी सच्चाई ने कब मेरे झूठे प्यार को सच बना दिया मुझे ही नहीं पता चला। I'm in love with Krishna, हानी। कृष्णा, कृष्णा आखिर चोर पकड़ा ही गया उसने तो अपने आप को छिपाने की बहुत कोशिश की थी यू नो, लेकिन मुझे पता चल गया है कि असली क्रिश कौन है। क्यों झूठ बोला मुझसे? मुझे अंधेरे में क्यों रखा? मेरे सामने भी नकाब के पीछे छुपने की क्या जरूरत थी? ये तुम पूछ रही हो प्रिया, जिसने मुझसे कभी सच कहा ही नहीं, जिसने आज तक मुझे अंधेरे में रखा। मेरा नकाब तो नहीं रहा प्रिया। पर तुम्हारा क्या मतलब? क्यों झूठ बोला कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुम्हारे झूठ को सच समझकर यहां तक चला, तुम्हारी मां से तुम्हारा हाथ मांग, पर तुमने तो उनके बारे में भी झूठी कहानी बना दी। हां प्रिया, मैं तुम्हारी मां से बात कर चुका हूं। कृष्णा, I'm sorry. मैं मानती हूं कि मैंने शुरू में झूठ बोला, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करती हूं कृष्णा। बस प्रिया, बस। तुम्हारे पास और झूठ होंगे मुझे सुनाने के लिए, पर अपने सच मानने की शक्ति मुझ में नहीं। मेरी बात तो सुनो कृष्णा, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा आदमी बनते देखना चाहती थी और कुछ घंटों में ऐसा होगा, पूरी दुनिया तुम्हारे पावर्स और गुणों के बारे में जान जाएगी। यही तो मैं नहीं चाहता था। तुम्हें क्या लगता है कि उसे मैंने मास्क क्यों पहना? इसलिए क्योंकि मैं अपनी दादी से वादा करके आया था कि मैं अपनी पहचान छुपा के रखूंगा, अपनी शक्तियों के बारे में किसी को पता नहीं चलने दूंगा। दादी ठीक कहती थी, इस दुनिया में लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते। उन्होंने तो मुझे रोकना भी चाहा मगर मैं। लेकिन क्यों रोकना चाहती थी तुम्हारी दादी तुम्हें? वो क्यों हमेशा तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखना चाहती है? क्यों नहीं चाहती वो कि पूरी दुनिया तुम्हारे टैलेंट को पहचाने? क्या वो मतलब ही नहीं है? प्रिया, जानना चाहती हो तो सुनो। दादी अब मुझे नहीं खोना चाहती थी क्योंकि मुझ में भी वही शक्तियां। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे आने दिया तुम्हारे लिए। मेरे दिल के लिए उन्होंने अपने दिल को समझा लिया, पर अब मैं उन्हें कैसे समझाऊंगा? Thank you.
कृष्णा, मेरी बात सुनो कृष्णा, I'm sorry कृष्णा, कृष्णा। हेलो, हेलो, हेलो हनी, कृष्णा के टेप का टेलीकास्ट रोकना होगा। क्यों? तू प्लीज अभी सवाल मत कर, बस टेलीकास्ट रोक दे। लेकिन टेप तो बॉस के पास है। Oh my God, बॉस कहाँ है इस वक्त? I wish to thank all my investors in Singapore. They are the ones who really deserve this applause for having had faith in my various projects. I'm delighted to announce that our company, Technotronics, has made a profit of $400 million this year. I therefore announce a 100% dividend to all our shareholders. Are there any questions? Yes? Dr. Arya, congratulations on the phenomenal success of your company. My question is, 20 साल पहले आपने एक ऐसा कंप्यूटर बनाने की कोशिश की थी जो फ्यूचर देख सके, आपकी उस ड्रीम का क्या हुआ? 20 साल पहले आपने भी कई सपने देखे होंगे, सब सच हुए क्या? जी, कुछ सवाल तकलीफ पहुंचाते हैं, मीडिया को यह बात समझनी चाहिए। मेरे जीनियस दोस्त रोहित मेहरा की मौत के साथ मेरे उस सपने की भी मौत हो गई। लेकिन डॉक्टर आर्य, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा और सुना है, आप तो कभी हार नहीं मानते। जीतने की कोशिश करता। अगर मेरा जीनियस दोस्त जिंदा होता। एक्सक्यूज मी सर, आई नीड टू स्पीक टू दैट लेडी फॉर जस्ट 1 मिनट। कृष्णा, कृष्णा, अभी कुछ कहना बाकी है क्या? हाँ, ये कुछ कहना चाहते हैं। कौन है आप? विक्रम सिन्हा नाम है। क्या चाहते? सिर्फ इतना, तुम जिस तरह यहां आए थे उस तरह यहां से न जाओ। क्या मतलब? मतलब तुम अकेले आए थे, अकेले न जाओ। कृष्णा, तुम्हारे पिता रोहित मेहरा जिंदा हैं। क्या कहा आपने? ये तस्वीर उस समय की है जब तुम्हारे पिता डॉक्टर आर्या के लिए काम कर रहे थे और मैं टेक्नोट्रॉनिक्स का सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर था। उम्र में वो मुझसे छोटे थे और हैसियत में मैं उनसे छोटा था, फिर भी हम में गहरी दोस्ती थी। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम हिंदुस्तानी थे, इसलिए क्योंकि उनकी मुस्कुराहट में एक सच्चाई थी, उनकी आंखों में नेकी थी, वो हमेशा खुश रहते थे। लेकिन हमारे चीख की खुशी को किसी की नजर लग गई। इतने साल हो गए लेकिन वो वक्त जैसे आज भी वही ठहरा हुआ है। उस दिन वो सुबह तक अपने काम में खोए हुए थे क्योंकि अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उन्हें इंडिया वापस जाना था। गुड मॉर्निंग चीफ। अरे विक्रम जी, आइए आइए, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं चीफ, लेकिन आप अगर इस तरह दिन रात काम करते रहे तो नींद ना आने की बीमारी लग जाएगी।
आज के बाद तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज इस कंप्यूटर की इनॉग्रेशन के बाद इसे डॉक्टर आर्य को हैंड ओवर करके मैं अपने फैमिली के पास वापस जा रहा हूँ। विक्रम जी, चीफ बुरा मत मानिएगा, पर मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि हम फ्यूचर देख सकते हैं। यकीन नहीं करने से सच नहीं बदलता विक्रम जी, देखेंगे तो मानेंगे। क्या आप वाकई मुझे? और नहीं तो क्या, आइए और आने वाले कल को आज देखिए, बताइए कि वक्त को देखना कैसा लगता है। जरा भाई, मेरा रोहित नहीं मर सकता है, मेरा रोहित जिंदा है। नहीं, क्या मतलब? मैं जी, ये कंप्यूटर गलत बता रहा है, इसमें जरूर कोई खराबी है। चीफ, डॉक्टर आर्या, वहां 6:40 बज रही और यहां 6:30, मतलब 10 मिनट में इसी रूम में। वो देखिए डॉक्टर आर्या। आपने शाहजहां के बारे में सुना है डॉक्टर माथुर? हाँ, उसने ताजमहल बनवाया था। अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि दूसरा ताजमहल ना बन सके। रोहित मेहरा मेरे लिए कारीगर है और मैं उसके लिए शाहजहां। इसका मतलब आप ही रोहित के हाथ? नहीं, दिमाग, क्योंकि रोहित का दिमाग अब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। वैसे बहुत अफसोस होगा मुझे, क्योंकि रोहित अच्छा लड़का है, सच्चा, ईमानदार, इंटेलिजेंट। वो लोग ऊपर आ रहे हैं चीफ, आप यहाँ से जाइए। नहीं नहीं, मैं कंप्यूटर गलत हाथ में नहीं जाने दूंगा, मैं सब तोड़ूंगा। ठीक है, मैं जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। हेलो माँ, मैं निशा को अस्पताल ले आई। हाँ, वहीं से बोल रही हूँ। मुबारक हो, तू किसी भी वक्त पाप बन सकता है, बस तू जल्दी से घर आ जा बेटा। मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। क्या बात है बेटा, तू कुछ परेशान सा लग रहा है। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। क्या किया तुमने? मैंने आपके सपने को फिर सपना बना दिया, मैंने सब तोड़ दिया, क्योंकि अब मैं आपके इरादों को जान गया। हाँ, लेकिन जो मुझे जानते हैं उन्हें यह भी मालूम है कि मैं कभी हार नहीं मानता। मैं ये कंप्यूटर दोबारा बनाऊंगा, तुम्हारा ही रिसर्च इस्तेमाल कर, लेकिन अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग रोहित, गुड बाय। रुक जाइए सर, इसे इसे मत मारिए। अगर आपने रोहित को मार दिया तो
तो आप ये कंप्यूटर फिर से बना भी लें, पर उसे स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। उसे स्टार्ट करने के लिए पासवर्ड चाहिए, और पासवर्ड है खुद रोहित। व्हाट? यस सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब तक इसकी आंखों की रेटिना और इसके दिल की धड़कन कंप्यूटर में फीड नहीं होगी, तब तक कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। मतलब तुम्हें जिंदा रखना पड़ेगा जब तक मैं नया कंप्यूटर ना बना लूं। लेकिन मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही, दुनिया के लिए। ब्रेकिंग न्यूज, एक शोक समाचार। टेक्नोट्रॉनिक्स की लेबोरेटरी में अचानक आग लगने के कारण प्रसिद्ध भारतीय विद्वान श्री रोहित मेहरा की दुखद मृत्यु हो गई। आइए हम 2 मिनट का मौन धारण करें ताकि श्री रोहित मेहरा की आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। उस दिन के बाद डॉक्टर आर्य के लिए काम करना मेरी मजबूरी हो गई। पुलिस की मदद भी नहीं ले सकता था मैं। डॉक्टर आर्य को अगर जरा भी शक हो जाता तो वो मुझे खत्म कर देते, और मैं ही एक जरिया था तुम्हारे परिवार तक पहुंचने का। इसीलिए मैं पिछले कई सालों से तुम्हारी दादी को और तुमको ढूंढ रहा था। आज प्रिया के जरिए आखिर तुमसे मुलाकात हो ही गई। से उसने एक माँ को अपने बेटे से और एक बेटे को अपने बाप से अलग रखा। उसके झूठ की वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया। कहाँ है मेरे पिताजी? यहीं सिंगापुर में। डॉक्टर आर्या ने उन्हें कई सालों से मशीनों के जरिए ऐसी हालत में रखा है कि सिर्फ उनका दिमाग जिंदा है, शरीर बेजान है। गुड इवनिंग माय फ्रेंड रोहित मेहरा। कैसा महसूस कर रहे हो आज? ये मशीन्स तुम्हारा ठीक से ख्याल तो रख रही है ना? यस, गुड। कल वो ग्लोरियस ऐतिहासिक दिन है जब मेरा हमारा कंप्यूटर इनॉग्यूरेट होगा। हाँ, हमारा, क्योंकि तुम्हारे बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं था। इतने साल तुमने किस सब्र और शांति से मेरे साथ कोऑपरेट किया है। कल जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो तुम्हारी जरूरत भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारी तकलीफ भी। सी यू टुमारो। ब्रेकिंग न्यूज, डॉक्टर आर्या को कबीर याद आ गए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसीलिए डॉक्टर आर्या ने फैसला किया है कि वो आज ही कंप्यूटर आरंभ करेंगे और आज ही रोहित का।
और मेरे पिताजी को इस कमरे में रखा। हाँ, लेकिन वहां तक किसी अनजान आदमी का पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डॉक्टर आर्य ने इस आइलैंड के हर हिस्से में बेहद टाइट सिक्योरिटी रखी है ताकि अब उसके और कंप्यूटर के बीच में कोई ना आ सके। कृष्णा, अगर डॉक्टर आर्य ने वो कंप्यूटर स्टार्ट कर लिया तो उस कंप्यूटर के जरिए वो किस हद तक विनाश कर सकता है, इंसानियत को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। मेरा, तुम्हारा, हम सबका, इस पूरी दुनिया का फ्यूचर उसके कब्जे में आ जाएगा। इसीलिए डॉक्टर आर्या को हर हाल में रोकना होगा। अब तुम्हें अपने पिता के साथ साथ पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत को बचाना है कृष्णा। हेलो कृष्णा। दादी। कृष्णा, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ दादी। पता नहीं क्यों दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही है। तू कब आ रहा है बेटा? जल्दी आ जा। तेरे पापा का श्राद्ध है, उस दिन तुझे यहां रहकर बेटे का फर्ज निभाना है। याद है दादी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बेटे का हर फर्ज निभाऊंगा। जीत गया। अब तुम चाहो तो अपनी सांसें बंद कर सकते या मैं कुछ मदद करूं? हाँ, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? जरा देखते तो जाओ कि तुम्हारा आविष्कार मुझे कैसे ईश्वर बनाएगा। इसलिए बनाया था कि हम अपना कल देखकर उसे बदल सकें। मैं भी अपना कल बदल के दिखाऊंगा, आज ही। डॉक्टर आर्य मास्ट मैन को ढूंढने गए हैं। मास्ट मैन? डॉक्टर आर्य, कम ऑन, लेट्स गो।
जी ने क्या किया था? इसे क्यों मारा? डॉक्टर आर्या ने शायद कंप्यूटर स्टार्ट कर लिया है और उसमें उसने देखा होगा अपना कल। वही होगा जो डॉक्टर आर्या ने देखा है। We'll be right back.
बदल दिया मैंने अपना फ्यूचर, बदल दिया मैंने अपना कल, कोई नकाब नहीं रहा। आज से इस दुनिया के भगवान का नया चेहरा होगा डॉक्टर सिद्धांत आर्या। How is this possible? इसे तो मैंने अपने हाथों से मारा है। Then, who is this? 9:15, सवा नौ। यहां बजे हैं 9, यानी वो 15 मिनट में यहां पहुंच जाएगा। That means he's already on the island. इसे काबू में करने के लिए पावर की नहीं, प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर आर्य ने इस आइलैंड के हर हिस्से में बेहद टाइट सिक्योरिटी रखी है। Better, क्योंकि मैंने फ्यूचर देख लिया है। लेकिन जो वक्त की कमी की वजह से नहीं देख पाया वो जानना चाहता हूं। तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो और रोहित मेहरा को क्यों बचाना चाहते हो? कौन हो तुम? जवाब तुम्हें मेरे पास आके देना होगा। काम मैंने कहा था ना, मैंने फ्यूचर देख लिया है और मैं जानता हूं कि कौन है और कौन मेरे खिलाफ। तो प्लीज कोऑपरेट।
अभी पता चल जाएगा। हाँ huh?